हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल माई उपजोन में। एंड आज इस वीडियो में हम व्हाट्सएप के बारे में बात नहीं करेंगे। स्लाइड अप हो गया, ऑफर लेटर हो गया, पेमेंट प्रॉब्लम या कुछ और भी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब आपका ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, आपको आगे और क्या क्या करना पड़ेगा तब जाके आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। सो आज का वीडियो अलग होने वाला है पिछले वीडियो के मुकाबले। पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, जो जो भी आपका प्रॉब्लम है एंड वही आपको करना है जो जो मैंने बताया है। पेमेंट से रिलेटेड हो गया, अंडरटेकिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन, सीएलसी, माइग्रेशन, जितना सारा कमेंट्स आया सबका मैंने रिप्लाई किया है। कोई एक कमेंट भी नहीं होगा जिसको मैंने छोड़ दिया है, सबका मैंने रिप्लाई किया है। सो दोस्तों, मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपका दायित्व बनता है, आपको ये करना ही चाहिए। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और सो आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग सिर्फ वीडियो देख कर छोड़ कर मत जाओ, सब्सक्राइब भी कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। अभी तक नहीं लाइक किया तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, बस लाइक आते हैं बहुत कम। सो ऐसा क्यों है पता नहीं, सिर्फ देखने से मतलब है, उनको लाइक वगैरह नहीं करते। सो, आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करो, मैं अभी भी रिप्लाई करने के तैयार हूँ। लेकिन अब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, स्लाइड ऑफ, ऑफर लेटर, पेमेंट सबका मैंने प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रखा है। आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। स्लाइड अप नहीं आएगा, ऑफर लेटर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा जो भी कॉलेज आपको मिला है। एंड स्पोर्ट एडमिशन के बारे में भी बात कर रखा है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। स्पोर्ट एडमिशन का क्या पूरा सिस्टम है, कैसे होता है, सो आज की वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो आज एडमिशन चल रहा है 2020 का, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर कॉलेज एडमिशन, और इसको हम लोग कॉलेज वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। और उसके नीचे मैंने लिख रखा है समय रहते समझ जाओ मतलब। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं वीडियो में क्या कुछ खास है। सो दोस्तों, आई होप बहुत लोगों ने अभी तक एडमिशन करवा लिया होगा। एन कॉलेज वाले, कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाले, सबका हो गया है। एंड कुछ कॉलेज अभी भी हैं जिनका कुछ लिंक अभी तक नहीं आया है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन किसी किसी में रुका हुआ है, किसी किसी में अंडरटेकिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है कुछ कॉलेज में। सो उसको अपडेट करना पड़ेगा उस वेबसाइट को। एंड जो जो ऑप्शन इस बार नहीं है ऑफर लेटर का नहीं, तो उस वेबसाइट से ऑफर लेटर को हटाना पड़ेगा अपडेट के बाद। तो ये अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्यों। अभी एग्ज़ाम अभी लास्ट डेट नज़दीक आ गया, अभी तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अगर आपका इसमें नहीं होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो आप लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है स्पोर्ट एडमिशन्स, ओके। एंड उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ बता देते हैं आप लोगों को। जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है ऑनलाइन, पेमेंट हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है एंड आपको प्रिंट आउट आपने निकाल कर रख लिया है जो जो चाहिए वो सब, एंड आपको क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपके पास क्या क्या होना चाहिए कॉलेज वेरिफिकेशन जाते टाइम, ठीक है। सबसे पहले आपको ये एडमिशन का ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एडमिशन कंफर्मेशन, यही आपका एक बच्चे का मैसेज था, सर मैंने जो एडमिशन करवाया है उसका नया जो पासवर्ड है उसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, क्या पासवर्ड है बता दीजिए सर। सो आप लोगों को मैं बता दूँगा, यहाँ पर रुक जाइए, दिखा देते हैं आप लोगों को। जो नया पासवर्ड आप लोगों को मिला है ना, वो पुराना वाला पासवर्ड जो 20Z था, पासवर्ड था 20Z, आपका यूज़र नेम सेम रह जाएगा, पासवर्ड सिर्फ बदलता है। एंड जो नया पासवर्ड वही है जो आपका बर्थडे है, बर्थडे वाला आपका बर्थडे जो है वही आपका पासवर्ड दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यूज़र नेम वही है, सिर्फ पासवर्ड क्या बदला आपका, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए किसी का बर्थडे है 05/02/2003, तो उसका यही पासवर्ड है सबका, अपना अपना बर्थडे डेट ऑफ बर्थ जो है आपका नया पासवर्ड वही है। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा चीज़ है। एंड यहाँ पर देखिए आपका एडमिशन, ये एन कॉलेज का मैं दिखा रहा हूँ, टोटल फीस इतना नहीं है, ये इनकम टैक्स चार्ज लगाकर आपका 4058 है टोटल। सो समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा एन कॉलेज का एडमिशन फीस है। एंड आप लोगों ने करवा लिया होगा बहुत कुछ, ये आपका एडमिशन कन्फर्मेशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग सिंपल सा पढ़ सकते हैं, बोरिंग रोड यूजी स्टूडेंट एडमिशन पेमेंट रिसिप्ट, ये एडमिशन का जो पेमेंट रिसिप्ट है वही है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको रहना चाहिए वेरिफिकेशन करवाते टाइम, आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है ये जरूरी है फर्स्ट फेस। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये कागजात भी रहना जरूरी है। डी आर सी ओम कुमार,
ये किसी का है मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर एयर पे आईडी, इसको अभी हटा देते हैं। यूज़र आईडी तो ये आपके पास है, सक्सेस पेमेंट स्टेटस सक्सेस शो कर रहा है तो काफ़ी अच्छा है, एंड ये होना चाहिए। एंड ये लेकर जाइएगा आप लोग कॉलेज वेरिफिकेशन टाइम, ज़रूरी है ये भी। उसके बाद आप देखिए आपका जो भी कॉलेज है आप लोग देख लेना, ये इन कॉलेज का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, डियर शिवम कुमार योर सक्सेसफुली कम्प्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन और यूज़र क्रेडेंटियल्स इज गिवन बिलो। देखिए मैंने बताया था ना आप लोग का रजिस्ट्रेशन यही है ना आपका, यहीं से आप लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोग कब डाउनलोड कर पाओगे ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, रुक जाइए अभी। तो यहाँ पर आपका नया देखिए 6/2/2003, 6 फरवरी 2003 इसका बर्थडे है, एंड वही इसका नया पासवर्ड है, तो ये याद रखिएगा, ये आज सब आपके पास होने चाहिए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखा देता हूँ क्या क्या जरूरी है। ओके सो टेंशन ना लीजिए, एंड आप लोग को वेरिफिकेशन लॉकडाउन के तुरंत 15 दिन के बीच में आप लोग को वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, देख रहे हो ये सब तो आपको ले जाना ही ले जाना है, एंड और बाकी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने एडमिशन करवाते टाइम ज़रूरत पड़ा था वो सब भी ले जाना है, CLC, MLC और माइग्रेशन और बहुत कुछ जो एडमिशन करवाते टाइम आप लोग देख लो। फर्स्ट पेज ऐसा है, उसके बाद सेकेंड पेज कुछ से ऐसा है, ये पेमेंट वाला मेथड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया है वो सब है। ये देखिए नेक्स्ट पेज में पेमेंट इन्फॉर्मेशंस है, ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये सब है। उसके बाद लास्ट पेज में ये आपका रजिस्ट्रेशन या कन्फर्मेशन है, उसके बाद ये रहना जरूरी है। एडमिशन प्लस रजिस्ट्रेशन आप लोग ने करवा लिया होगा आई होप, जिन्होंने सिर्फ एडमिशन करवा कर छोड़ दिया है तो उन लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो एडमिशन्स प्लस रजिस्ट्रेशन दोनों करवा लीजिए तभी कॉलेज में जाइए वेरिफिकेशंस के लिए। सो आप लोग के पास और क्या होने चाहिए, आप लोग के पास और वेरिफिकेशन करवाते टाइम मैं दिखा देता हूँ आप लोग के पास और क्या होने चाहिए वेरिफिकेशन करवाते टाइम, चलिए बात कर लेते उसके बारे में भी। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, एप्लीकेंट हैव प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ बिलो मेंशन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द कॉलेज ऑफिसर आफ्टर COVID-19 लॉकडाउन इज ओवर। कहने का मतलब जैसे ही आपका लॉकडाउन COVID-19 का ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपके पास 15 दिन का टाइम रहेगा, 15 दिन का टाइम के बाद आप लोग को इतने समय में ही आईडी जाके वेरीफाई करवा लेना है, आपका जो भी एडमिशन हुआ है वो जाके वेरीफाई करवा लेना है कॉलेज में, एंड क्या क्या जरूरत पड़ेगा। एंड आगे लिखा हुआ देखिए क्या कि इफ़ दे फेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड देयर एडमिशंस विल बी ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल, रद्द माना रद्द हो जाएगा, आप कहने का मतलब है आपका रद्द हो जाएगा और एडमिशंस कैंसिल हो जाएगा। ओके समझ जाइए आप लोग, मेन बात इसका नोटिस ऑफिशियल नोटिस भी बता दूंगा मैं। चलिए यहाँ पर देखिए पहले उसके उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या लेकर जाना है कॉलेज में आईडी वेरिफिकेशन टाइम में। आपका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी वीडियो के माध्यम से दिखाया वो सब आपका अप्लीकेंट फॉर्म होने चाहिए, प्रिंट और हार्ड कॉपी, और यहाँ पर दो को फोटो ले जाइएगा, आप कोशिश करिए दो से ज़्यादा भी ले जाइए, कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए क्या पता। तो दो कम से कम दो कॉपीज पासपोर्ट साइज फ़ोटोज होने चाहिए, उसके बाद 10, 12 का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा वहाँ पे। यहाँ पर जो आप लोग ने जिन लोगों का जिसके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं था वो ऑनलाइन निकाल कर भी अपना स्कैन करके ये ऑनलाइन एडमिशन करवा लिए हैं, लेकिन वहाँ पर ओरिजिनल ही लेगा। सो आई होप उस टाइम तक आप लोग का ओरिजिनल मार्कशीट आ जाना चाहिए, एंड वो कंपलसरी है, वो ज़रूरी है। ओके सो यहाँ पर देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल चाहिए, SLC आपका, TC आपका, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए ही, ये सब आप लेकर जाइएगा कॉलेज जब भी जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग मीन्स होना चाहिए, इसको आप सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग पे मैंने बता रखा है क्या करना है, इसको फिलअप करके आप कॉलेज ले जाइएगा। उसके पास आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप अपाइज वगैरह हैं तो आप लोग हैं तो ले जाइए, नहीं है तो रहने दीजिए, जिनके जो हैं उनके पास इसका सर्टिफिकेट होगा। एंड ऑनलाइन पेमेंट फी रिसिप्ट वो जो मैंने दिखाया था लास्ट में, वही आपका कितना बैलेंस कटा है वो सब देख लीजिएगा, वो ले जाइएगा, यही सब आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, यही सब आपको लेगा कॉलेज में। ओके एंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा AN कॉलेज सभी कॉलेज के साइट पे,
कब आईडी वेरिफिकेशन करवाना है। अभी 14 सितंबर तक तो आपका एडमिशन से चलेगा। मैंने आज कॉल किया था एन कॉलेज को, जो नंबर वेबसाइट पे दिया गया है उसी पे। सो उन्होंने बोला, मैंने पूछा सर आईडी वेरिफिकेशन कॉलेज में चल रहा है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी नहीं, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। एंड कुछ और भी मैं पूछना चाहता था बट कोई नहीं, उन्होंने कट कर दिया। सो आईडी वेरिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया जाएगा आप लोग के कॉलेजेस पे। सो डोंट वरी, एंड आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये सब आपके पास होने चाहिए। ओके चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को दिखा देते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर यहाँ देखिए, छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि लॉकडाउन के समाप्ति के 15 दिन के अंदर आप अपनी मूल प्रमाण पत्र कॉलेज काउंटर पर आकर, कॉलेज का जो काउंटर है वहां पर जाकर वेरिफिकेशन करा ले। यहां पर आप लोग सिंपल सा पढ़ सकते हो, 15 दिन के अंदर, लॉकडाउन के समाप्ति के 15 दिन के अंदर मूल प्रमाण पत्र कॉलेज काउंटर पर आकर वेरिफिकेशन करवा ले, अन्यथा आपका नामांकन रजिस्ट्रेशन स्वतः रद्द हो जाएगा। सो आप लोग समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। सो यही था ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोग का। एंड कुछ और पढ़ लीजिए यहाँ पे, एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप का बात कर ले दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ज्ञात हो रजिस्ट्रेशन स्लिप पूरी नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के 15 दिन बाद मिलेगी। 15 दिन बाद मिलेगी, आपका पूरी तरह से एडमिशन हो जाएगा उसके 15 दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। सो यही था। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर पेपर में लिखा गया है, लॉकडाउन के बाद वेरिफिकेशन, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार नामांकन के साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप लोग का एडमिशन प्लस रजिस्ट्रेशन दोनों हो रहा है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को अंतिम रूप में नामांकन के लिए माइग्रेशन देना अनिवार्य है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉकडाउन समाप्त होने पर, जैसा कि आपने मैंने बताया, ये जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, अभी जो वेरिफिकेशन आपका है ना अभी नहीं होगा, अभी नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आप लोग आगे पढ़ के बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सो यहाँ पर पढ़िए, देखिए यहाँ पर मैंने कहाँ तक पढ़ा था, हालांकि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नामांकन प्रक्रिया होने के बाद लॉकडाउन समाप्त होने पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन में अगर विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ी मिलती है, आपका यहाँ एडमिशन करवाते टाइम कुछ और, वहाँ पर कुछ और, आपका एडमिशन रद्द कैंसल्ड, आपका एक साल बर्बाद, समझ गए आप लोग। तो सोच समझ कर कुछ भी कदम उठाइएगा। और आप लोग यहाँ पर देखिए, जारी होगा 3 मेगा सूची, ये तो थर्ड मेरिट लिस्ट का बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कॉलेज में नामांकन के लिए पहली मेगा सूची जारी हो चुकी है। एंड ये सब तो आप लोगों को पता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेट दिया गया दोस्तों यहाँ पर देखिए। एंड 26 अक्टूबर आपका स्पोर्ट एडमिशन का लास्ट डेट है, ये तो मैंने बता रखा है पहले से ही आप लोगों को। एंड सो आप लोगों का यही इंपॉर्टेंट था, ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट था सारा। सो आप लोग का अभी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जैसे ही लॉकडाउन के समाप्ति के 15 दिन बाद बोल रहे हैं, एडमिशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सो यही था, और कुछ इंपॉर्टेंट बच गया तो मैं एंड जाते जाते मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। एंड वैसे आज का वीडियो यहीं तक था, ये थोड़ा एडिशनल कुछ बताना चाहता था मैं। इफ़ यू मेड पेमेंट एंड अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट बट स्टिल शोइंग अनपेड, कहने का मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करवाते टाइम पेमेंट कर चुका है, आपने पेमेंट हो चुका है ऑनलाइन एडमिशन करवाते टाइम, आपका पेमेंट कर दिया आपने, लेकिन वहां पर लिखा रहा है 0 बैलेंस, मतलब अनपेड लिखा रहा है, आपने पे नहीं किया वो लिखा रहा है। सो वो उस हालात में आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, प्लीज़ ईमेल अस, आपका जो भी कॉलेज है, बीटी कॉलेज का मैंने निकाल रखा है, आपका जो भी कॉलेज है उसका ईमेल पे आप लोग क्या करोगे, ईमेल करोगे विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मेल करना। ओके सच पेमेंट रिलेटेड अपडेट्स मेक टेक 20 to 70, 2 से 3 दिन आपको लग सकता है इसके लिए, इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में आपको देखिए यहाँ पर 24 से 72 घंटे तक लग सकते हैं, ठीक, मोस्ट केसेस। ओके सो यहाँ पर आप लोग को पेमेंट प्रॉब्लम का ये बता दिया गया है। एंड जिनको अंडरटेकिंग का मतलब नहीं समझ में आता है, ये देखिए उनका ये पूरा इसको फॉर्म फिलअप करके आपको कॉलेज में देना होता है, अंडरटेकिंग है ये, जिनको ये चाहिए वो बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपका अंडरटेकिंग का पूरा प्रोसेस है, और इसी को अंडरटेकिंग बोलते हैं, और सेल्फ डिक्लेरेशन इसी को बोलते हैं। ओके सो यही था आपका दोस्तों।
सो आज की वीडियो में यही था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो सब्सक्राइब अभी कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे भी मैं वीडियो डालूँ आपको वो नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है अभी अभी। ओके सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से एडमिशन कर रहे होंगे, आज आपका एडमिशन अच्छे से हो रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।